हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम 2021 को टारगेट करते हुए बैंकिंग करंट अफेयर्स 2020-21 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं और ये हमारी वीडियो सीरीज का वीडियो पार्ट 6 है। अभी तक आपने 5 वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, लिंक मैं आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप समझ लीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, कौन सी सूची में जो ब्लूमबर्ग की द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन देख लीजिए और लाइव चैट में लिखिएगा आंसर। लाइव चैट में आंसर लिखने से आप लोगों की प्रैक्टिस होती है, तो लाइव चैट में आंसर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो पर आपकी राय और ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। यहाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एलन मस्क, जिनकी दुनिया में बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम टेस्ला है। तो एलन मस्क आपको याद रखना है, ये अरबपतियों की सूची में नंबर 1 पर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। काफी बड़ी घोषणा है ये, ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीतेगा उसको 3 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये घोषणा कौन से राज्य ने की है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। लाइव चैट में लिखिएगा आप अपना आंसर। यहां दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान राज्य ने घोषणा की है 3 करोड़ रुपए देने की ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को। चलिए अगला प्रश्न, भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया, कौन से देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार या फिर पाकिस्तान। लाइव चैट में आप आंसर लिखिएगा, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। लाइव चैट में आंसर लिखते रहे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। लाइव चैट में चेक करता हूं तो देखता हूं कि काफी लोग बिल्कुल सटीक और सही आंसर देते हैं और काफ़ी अच्छी बात है कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है और मैं भी आपके लिए हिंदी मीडियम में प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर जल्दी ही लाऊंगा और वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे कम से कम प्राइस पर, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का चैनल। यहाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बांग्लादेश की एक सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था 2021 की गणतंत्र दिवस की परेड में, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा है, 10 जनवरी, 15 जनवरी, 14 सितंबर या फिर 5 सितंबर, क्या होगा सही आंसर। यहाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10 जनवरी के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। ये जो फायर पावर इंडेक्स है दोस्तों, ये जो सैन्य ताकत होती है किसी भी देश की, जो सैन्य ताकत होती है, मिलिट्री फोर्स होती है, जो पावर होती है, युद्ध की क्षमता होती है, उसके अनुसार ये तैयार की जाती है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को मिला इसमें 4th स्थान। तो आप सोच सकते हैं कि दुनिया में भारत के पास कितनी ताकत है, कितनी पावर है, तो 4th स्थान मिला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। दोस्तों टेलीग्राम का चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर ही मैं आपको हिंदी मीडियम के लिए मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाने वाला। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों कौन सी कंपनी है जिसको ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन देख लीजिए, सेल इंडिया, बेल इंडिया, रिलायंस या फिर टाटा, कौन सी कंपनी को यह अवार्ड दिया गया है। यहाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बेल इंडिया जो है इसको ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए, वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए। अगला प्रश्न है, RBI ने हाल ही में धोखाधड़ी के मामले को लेकर
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, याद रखना है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ऊपर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है धोखाधड़ी के मामले को लेकर, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या फिर 5 करोड़, क्या होगा सही आंसर लाइव चैट में लिखिएगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने, यहां दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आरबीआई ने लगाया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी 23 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेज आपसे डेफिनेटली एक पूछा जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है 23 जनवरी उसको कौन से दिवस के रूप में मनाया जाएगा, पराक्रम दिवस, शौर्य दिवस, वीर दिवस या फिर नेताजी दिवस, क्या होगा सही आंसर लाइव चैट में लिखिएगा, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। यहां दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है, पहली महिला फाइटर जिसने गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाया था कौन बनी है, रक्षिता सेन, भावना कांत, आरजू श्री, राजे श्री, क्या होगा सही आंसर लाइव चैट में लिखिएगा। यहां दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भावना कांत जो है ये बनी है फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, ये अनुमान किसका किसने लगाया है, संयुक्त राष्ट्र, याद रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र ने कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहेगी, ऑप्शन आप लोगों के सामने है लाइव चैट में लिखिएगा, कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है। यहाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 7.3% रहने का अनुमान लगाया है संयुक्त राष्ट्र ने कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए, किसके लिए, आर्थिक वृद्धि दर के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 कितने लोगों को दिया जाएगा, 20, 25, 40 या फिर 60, क्या होगा सही आंसर लाइव चैट में लिखिएगा, जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020। तो ये दोस्तों दिए जाएंगे 40 व्यक्तियों को देने की मंजूरी मिली है जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, लाइव चैट में लिखते जाए आंसर ताकि प्रैक्टिस होती रहे। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने में आप कंजूसी ना करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हमें आपका सपोर्ट भी मिलता रहे। यहां दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF कहते हैं ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है। अभी मैंने आपको बताया था संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के बारे में, अभी IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है वर्ष 2021 के लिए, ऑप्शन आप लोगों के सामने है बताइए। ये जो स्टैटिक्स है इनको आपको थोड़ा ध्यान से देख कर जाना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंकिंग सेक्टर के हर एग्जाम में। यहाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 11.5% रहने का अनुमान लगाया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस इंपॉर्टेंट है कब मनाया जाता है, 1 जनवरी, 25 जनवरी, 1 फरवरी या 25 फरवरी, क्या होगा सही आंसर लाइव चैट में बताइएगा। यहाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 25 फरवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष भारत में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए कितने बच्चों को चयनित किया गया है, ये दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाते हैं हर साल, तो 2021 के लिए कितने बच्चों को चयनित किया गया है ये आपसे पूछा गया, ऑप्शन आप लोगों के सामने है लाइव चैट में लिखिएगा आपने पढ़ा है तो इसका आंसर। यहाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टोटल 32 बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंख योजना कौन से राज्य ने लॉन्च की है, पंख योजना कौन से राज्य ने लॉन्च की है,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात, क्या होगा सही आंसर? यहां दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, मध्य प्रदेश राज्य ने पंख योजना शुरू की है। ये बालिकाओं के लिए है, बालिकाओं की एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और जो नॉर्मल हेल्थ है, एजुकेशन है, उनसे रिलेटेड ये योजना है पंख योजना। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, जागरूकता के लिए भी है ये योजना बालिकाओं की। तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, MCQ टाइप क्वेश्चन, PDF फाइल मिलती रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।